लाइब्रेरी रूम का उद्घाटन किया, उसके लिए बुलाया था मेरे को, और वहाँ सभी वकील साथी थे, उनसे बात हुई। उसके बाद दो चार जगह चाय पीने गया, लेकिन यहाँ जहाँ तक दीन का सवाल है, ये जो मुद्दा उठा हुआ है प्रिंसिपल का उठाने में, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बार बार कहा था कि हाई कोर्ट की जज के द्वारा सीबीआई की इंक्वायरी की जाए और स्टेटस पहुँचाया जाए। जब भी तुम पुलिस स्टेटमेंट आ जाती है, कभी कभी कंप्लेंट या अखबार में पढ़ता हूँ, तो ये कोई नहीं, उसको पूरी उत्तर करती है। बड़ा गंभीर मामला है, ये उसको जाना चाहिए। और जींद का मैंने बाहर में पूछा सवाल, सभी थे, सभी दलों के वकील साथी थे, भाई 9 साल में कोई एक भी काम जींद के विकास का हो तो बताओ, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सके। तो जिस प्रकार से आप यहाँ हो रहे हैं, जहाँ छोड़ गए थे हम वहीं हैं, बल्कि जो इंडस्ट्री डेवलप होनी थी, इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप होनी थी, वो भी और गो कर दी, और जिस प्रकार से और विकास होना था तेजी से हो रहा था, जींद का विकास भी रुक गया और पूरे हरियाणा का विकास रुका हुआ। तो ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग और इवेंट मैनेजमेंट टीम है। अब ये एक और इवेंट ला रहे हैं, यात्रा लगा रहे हैं, उसमें सरकारी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोगों को, जब मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, रोज़ फ्रंट पेज पे या दूसरे पेज पे हरियाणा सरकार का होता है, कोई ना कोई बात कही जाती है। सिर्फ अखबारों में है ये सरकार, धरातल में नहीं है सरकार। ये समझते अखबारों में छपने से लोगों की राहत मिलेगी, कोई राहत लोगों को नहीं मिली। यहाँ हर वर्ग परेशान है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी कर्मचारी, किसी को लगा लो, खैरी गा लो, कोई ये परिस्थिति है। बाकी आप सवाल जो पूछ सकते हैं पूछो भाई। कृषि मंत्री का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है, क्या ये मेरा उसमें बयान आ चुका, ये उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। बहन बेटियां सबकी एक सी होती हैं, किसी के बारे में कहना बड़ी शर्मनाक बात है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत, और किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान को अपने स्वार्थ में थोड़े बैठे हैं, हम किसानों की मांग पूरी। भाजपा सरकार धरातल पे कुछ नहीं कर रही, ये आपका कहना है? चुनाव नहीं करेंगे, बहुत कुछ है, मैंने कहा भी, कुछ कह भी चुके हैं हम। बाकी हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, सारी बात का खुलासा जब करेंगे। जैसे आज वकीलों में गया था, हमने कहा पहले भी है कि जो ये ऐसा वर्ग है जिसके स्वास्थ्य की जो है इंश्योरेंस की जाएगी, वकील हुए, जर्नलिस्ट हुए, ये ऐसे नए वर्ग हैं जिनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। जो अपने 5 राज्य हैं चुनाव को लेकर, उसको क्या कहना चाहिए, अपना क्या लग रहा है? कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और तेलंगाना में भी ज़्यादा चांसेस कांग्रेस के। एक हरियाणा के, 5वीं का पता नहीं, एक हरियाणा के जो 1000 स्कूल है सरकारी स्कूल, उनमें शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया हरियाणा सरकार को। हम तो बार 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 यही बात कह रहे हैं, और वो सिद्ध हो गई हाईकोर्ट ने, मगर ऐसी परिस्थिति कर दी 9 साल में। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पर बैठे रहते हैं। डॉक्टरों की कमी, टीचरों की कमी, स्कूल, ये पहली सरकार जिसने स्कूल बंद कर दिए, 1000 स्कूल बंद कर दिए, और ये तो बड़ी शर्म की बात है कि जो इतना क्लेम करते हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी आप लोग तो उस पर जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ये खर्च नहीं करते, 1% 2%, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना एजुकेशन का बजट है उसका 1% भी खर्च नहीं करते, तो कहाँ से शौचालय बनेंगे? क्योंकि ये सरकार की नियत काम करने की नहीं है भाई, जैसे मैंने कहा इवेंट मैनेजमेंट की है। ये तो अखबारों में सुनती है, सब कुछ हो गया, धरातल पर कुछ है नहीं, पोल खुल गई तो शिक्षा में पोल खुलती, इसी तरह अस्पतालों में देख लो, हर उसमें ये विफल है।
सर पांच राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, उसके आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, चुनाव तो होनी है आज आखिरी दिन, लोकसभा चुनाव उसके बाद हो रहा है, तो क्या ये जो रिजल्ट आएंगे वो देश का मूड होगा? यार असर पड़ता है इस बात का, चुनाव को ये तो दिखाता ही ना किधर दर्शाता है क्या लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे हरियाणा के बारे में कह सकता हूँ, लोग बन मरा चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या विजन को लेकर आप लोकसभा चुनाव में फील्ड में उतरेंगे? है? क्या विजन रहेगा कांग्रेस का हरियाणा में? कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा में हमारा राष्ट्रीय एजेंडा होता है, वो जो है सबकी, गरीब आदमी, किसान की, मजदूर की प्राथमिकता रहती है। एक मतलब उड्डा में जो जन आक्रोश रैली हो रही है जी, ये पूरे प्रदेश में होगी या एक ही जगह रखा गया इसका? नहीं नहीं, हल्का वाइज में रहे, हल्का वाइज बड़ी रैली तो बाद में, जैसे झज्जर में है 17 तारीख को, वही सराना हल्का का है, 24 तारीख को सिरसा में है, 25 हल्के की है, और 3 तारीख को इसराना हल्के की है। तो साहब 2014 के बाद कांग्रेस के संगठन का गठन नहीं हो पाया है, क्या कारण है? क्यों क्यों हमारा अध्यक्ष है जिला स्तर पे कहो ना तो हो जाए। तो अभी आप बार बार किसानों की बात करते हैं चौधरी साहब, जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, लोकसभा के होने वाले हैं, उनमें भी किसी को टिकट देने का काम किया जाएगा किसानों को, इस तरीके का कुछ काम किया जाएगा? किसान में किसान नहीं हो क्या? किसान तो है ही, ये तो भाई प्रदेश जो है, प्रदेश जो है ना, किसान, जवान और पहलवानों का प्रदेश है हमारा। किरण चौधरी भी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करो, सबका वो है करो। एक उचाना वाले मामले में जी, एक राजनीतिक दबाव का भी नाम आ रहा है, एक राजनीतिक नेता का भी इसमें हाथ है, जबी तो मैं हाईकोर्ट के जज के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहा हूँ। 5 साल पहले उसमें भाई मैं बता रहा हूँ तो सारा खुलासा, तो जबी तो फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मांग रहा हूँ हाईकोर्ट के जज के अंदर मांग रहा हूँ, और शुरू से मांग रहा हूँ, और ये सरकार कान बंद करे बैठी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई मायना नहीं, SIT का कोई मायना नहीं, SIT तो पता नहीं कितनी बना ली सरकार ने, कभी किसी रिपोर्ट आई कितने घोटाले में, हर घोटाले पे SIT बनाते हैं। 5 साल पहले 2000 बच्चे थे जी उसमें, अब 935 बच्चे। मैं बता रहा हूँ भाई सारी बात जब तक होना है। उड़ा साहब, जो उचाना में प्रधानाचार्य वाला मामला है उसमें 142 लड़कियों के बयान आए हैं कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ छेड़खानी की गई, तो क्या कांग्रेस की जब बात नहीं मान रही है सरकार, क्या कांग्रेस इसको लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी? कह तो रहे हैं हाईकोर्ट के जज के द्वारा मांग कर रहे हैं, और नई सरकार को आती है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण प्राप्त है, हम बनाएंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरीके की तैयारियां? 6 तारीख को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है मैंने चंडीगढ़, तो सारी विषयों पर चर्चा होगी, क्या क्या कॉलिंग पेंशन लाना है, एडजर्नमेंट मोशन लाना है, क्या कार्रवाई करेंगे, कोई विशेष एजेंडा जैसे कि किसानों को जो अभी खाद दिए जा रहे हैं, सारे एजेंडे एजेंडे हैं, जबरदस्ती दवाइयां साथ में नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, गलत कर रहे हैं ये एजेंडे। सर बीजेपी ने आज ना जीत में शुरुआत की है, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी है, और अपने 9 साल के कार्य बना के ना आगामी चुनाव के लिए वोट मांग रही है। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ भाई? हैं सरकारी अधिकारी उसका कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के कोई मायने नहीं इस बात का, हॉस्पिटल में कल ही डॉक्टर को नहीं उनको वहां का। इसका मतलब एक है ना कि भाजपा जय जयपे पार्टी को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, इस वजह से सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौधरी साहब वैसे रोडवेज के अंदर वैसे भी सब कमी है, और देखा जाए बारात के लिए बुकिंग भी खोल दी गई है रोडवेज के द्वारा, क्या हो गया अपने आप रिसोर्सेज खुद बनाओ। तो सर 2019 का जब रिजल्ट आ रहा था, कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंची, आप लोगों की तरफ से बयान आ रहा था कि कुछ सीट टिकट बंटवारे में कमियां रह गई थी और अगली बार कमियां दुरुस्त करेंगे, किस तरह से टिकटों का बंटवारा आप लोग करेंगे? ये करेंगे और मेरिट करेंगे, जो जीता हुआ टिकाऊ को देंगे। क्या पैमाना रहेगा सर उसका? जीता हुआ टिकाऊ
चौधरी साहब, जब भी चुनाव आता है जातीय नारे बुलंद किए जाते हैं, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस कभी जातीय नारे बुलंद नहीं करती। कांग्रेस क्या काट है भाजपा की? कांग्रेस कोई जातीय नारे करती? कांग्रेस का तो पुराना स्लोगन है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हर हाथ में। उदय साहब, अभी बीजेपी पूरी तरह से नॉन जाट की राजनीति पे आ गई है, उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी धनखड़ को हटा के नायब सैनिक बना दिया है, क्या लगता है कि हरियाणा में इस तरह कास्ट जाट नॉन जाट का पोलराइजेशन होगा? इसका क्या है, कोई पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाए? हमारी पार्टी का अध्यक्ष दलित है, तो मैं किसान हूँ, इसमें कोई बात नहीं। सीएम और पार्टी का काम था, वो तो पार्टी का काम हुई किसी को बनाए, लेकिन वो किसी को बना ले ना बना ले, रिजल्ट जीरो।